एक पुलिस वाले साइड में खड़े थे मेरे उधर, भाई साहब का मास्क इतना लगा हुआ था यूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है दिन 15 दिसंबर और टाइम हो रहे हैं इस वक्त 12:30। तो जैसा कि आपको पता है, मेरी 12 से 8 की शिफ्ट है और 12:30 बजे तक मैं आपके सामने घर पे ही खड़ा हूँ। तो मैं तैयार हो गया था सुबह 10 बजे अपना ऑफिस के लिए, तो फिर एक मीटिंग थी वो अटेंड करनी पड़ी, ऑनलाइन मीटिंग थी डायरेक्टर्स के साथ। तो वो मीटिंग 11:30 बजे तक चली, तो वो अटेंड करी। उसके बाद मेरे को कुछ घर का काम था अर्जेंट, तो वो भी करने जाना है मेरे को। तो मैं रेडी वेडी हो गया हूँ अब अपना वो काम निपटा के, फिर 2:30 बजे ऑफिस के लिए निकलूँगा। और 12 से 8 की शिफ्ट है तो मैंने हाफ डे अप्लाई कर दिया था, तो वो 4 से 8 की रह गई, मतलब 12 से 4 वो हाफ डे में कट गया और 4 से 8 की शिफ्ट रहेगी। तो 4 बजे तक मुझे ऑफिस पहुंचना है, मतलब यहाँ से मुझे 3 बजे तक हस्त निकलना होगा, तो मैं 4 बजे तक, और बाय मेट्रो जाऊँगा तो मेरे को 2:30 बजे तक यहाँ से निकलना होगा, ताकि मैं 4 बजे तक अपने ऑफिस पहुँच जाऊँ और अपना काम संभाल लूँ। और हम अब रेडी हैं बिल्कुल, और जो अपने घर के काम है वो निपटाते हैं, ताकि हम फटाफट से ऑफिस पहुँच सकें, है ना। तो ऑफिस चलते हैं, मतलब फटाफट काम निपटाते हैं, फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं और रवाना होते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। लव यू गाइस। गाइस इस वक्त बज रहे हैं 2:55 और हम मेट्रो स्टेशन में पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस के जाने के लिए, और हम तैयार हैं। और जो हमारे घर के काम थे हमने वो निपटा लिए हैं, सारे काम वाम निपटा लिए हमने और आराम से अपना ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। 4 बजे से हमारी शिफ्ट शुरू हो जाएगी, तो 4 बजे तक हमें अपना ऑफिस पहुँचना है। और उठाओ सफर के आनंद, मास्क लगा के जाएंगे क्योंकि याद है, भूले नहीं है अभी हम। अर्ली मॉर्निंग अगर ऑफिस निकल जाओ तो बहुत अच्छा रहता है मेट्रो से, और आफ्टरनून के अंदर क्या होता है ना, मेट्रो बहुत आराम आराम से आती है और आराम आराम से जाती हैं, तो ये सीन ज़्यादातर रहता है यहाँ। अब अभी एक मेट्रो गई है, जब मैं आया था ना तो मिस हो गई वो। अब उसके जाने के बाद दूसरी मेट्रो के आने में 7 मिनट का डिफरेंस है, अदरवाइज़ हर मेट्रो के बीच में 2 से 3 मिनट का डिफरेंस रहता है। एक जाती है 2 मिनट बाद दूसरी आ जाती है, पर दोपहर में और लेट नाइट मतलब इवनिंग में 8 बजे 9 बजे के बाद खासकर, तो वो डिले होना शुरू हो जाता है कि 5 5 7 7 मिनट का गैप आना शुरू हो जाता है। और आप देख सकते हैं कैसा वीरान पड़ा है, गिने चुने 2 4 जने हैं हम और भीड़ है ही नहीं। तो मिलते हैं ऑफिस में आपसे। हे एवरीवन, इस वक्त बज रहे हैं 6:30 और हम सही 4 बजे अपने ऑफिस आ गए थे और हमने आके अपना काम वाम शुरू कर दिया था। आज सब कह रहे हो भैया आप, तेरी 12 से 8 की शिफ्ट है उसमें तू हाफ डे लगा रहा है। मैं कहा हाफ डे लगाया है तो फुल डे बराबर हो गया है कि आप लोगों को जाने का टाइम हो रहा है और मैं ऑफिस आया हूँ। मैं 4 बजे अपना ऑफिस आ गया था, फिर अपना जो हैंड ओवर दिया, अपनी क्वेरी वेरी करी, सॉफ्ट किया, काम वाम किया, और अभी तो चाय वाय पी के बैठा हूँ। काम सही चल रहा है, कॉल फ्लो ठीक है, थोड़ा कम है आज वर्कलोड भी, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो थोड़ा कम होता जाता है, मंडे और सैटरडे ज़्यादा रहता है हम पे, बाकी मज़े आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और चलिए मिलते हैं अभी। हे एवरीवन, इस वक्त बज रहे हैं रात के सही 9:20 और जैसा कि आपको पता है 8 बजे हमारी छुट्टी हो गई थी और हम शर्मा जी के साथ अपोलो तक आ गए थे, और अपोलो से फिर हमने अपना मेट्रो ले ली और अब उतरे हैं। आज हम एक्चुअली निकले, हम 8:10 पे थे, 10 मिनट हमें एक्स्ट्रा लग गए थे ऑफिस में, तो 8:10 पे हम ऑफिस से निकले हैं और हम 8:10 पे निकल कर अपना अब 9:20 में यहाँ पहुँच गए हैं। तो मैक्स टू मैक्स 9:30 तक हम घर भी पहुँच जाएंगे आराम से, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बाकी सारा दिन अच्छा रहा, सफ़र बहुत अच्छा भी था, मास्क लगा के गए थे, मास्क जस्ट अभी उतारा है हमने एग्जिट करने के बाद आपसे बात करने के लिए। और मेट्रो में आजकल जैसा कि आपको पता है चेकिंग ज़्यादा चल रही है मास्क को लेकर, चालान भी कट रहे हैं और कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो उन सब चीज़ को ध्यान रखते हुए सेफ्टी फर्स्ट है। तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को, अपनी सेफ्टी सबसे पहले है, तो मास्क ज़रूर लगाएं, अच्छे से वियर करके चलें। इस वक्त मैं अकेला हूँ तो मैंने मास्क उतार दिया, अगर यहाँ पर भी कोई पब्लिक भीड़ होती या मतलब जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक एरिया है वैसे तो ये, पर यहाँ इस वक्त इतनी पब्लिक नहीं है तो मैंने मास्क उतार रखा आपसे बात करने के लिए, अदरवाइज़ मैं पहन कर ही बात करता फिर। तो हैंड सैनिटाइज़ भी आप करते रहें बार बार अपने टाइम टू टाइम, जैसे मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ तो हम कम से कम हर 15 मिनट में एक बार सैनिटाइज करते रहते हैं हाथ, क्योंकि सारे में इन्फेक्शन होता है, हर जगह कोई ना कोई इन्फेक्टेड पेशेंट होता है जो कैंसर से केसेस में है, किसी भी प्रकार का कोई भी कीटाणु कोई भी जर्म समय ना हमारे साथ साथ हमारे घर तक पहुँचे, इसलिए हम हैंड सैनिटाइज करते रहते हैं। घर जाके भी हाथ मुंह धोते हैं गर्म पानी से, डिटॉल से साफ़ करते हैं, उसके बाद ही हम अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उससे पहले हम नहीं करते। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखें, COVID-19 की सेफ्टीज़ भी ज़रूरी है, तो वो चीज़ अपने साथ सेफ करें। बाकी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है घर की, और ये बहुत प्यारा एक कैफ़े है जिसकी लाइटिंग अच्छी थी, तो हमने यहीं पर आपके साथ वीडियो बना ली है, और चलते हैं अपने घर की। और
आज शर्मा जी के साथ हम गाड़ी में आए तो शर्मा जी भी 8-10 पे निकले थे हमारे साथ ही, तो वो थोड़ा आराम से चलाते हैं गाड़ी कभी कभार। आज ये भी था कि रोड पर थोड़ा ट्रैफिक था, अदरवाइज क्या होता है ना, इस वक्त ट्रैफिक कम होता है, आज ट्रैफिक ज़्यादा था तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज सब कुछ ठीक रहा है अभी तक तो। बाकी अब घर पहुँच के मिलते हैं आपसे, लव यू गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 10:30 और हम सही 9:30 पे घर पहुँच गए थे और हमने आके कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, खाना वाना खा लिया है हमने और आराम से बैठे हैं और व्लॉग एडिटिंग का काम शुरू कर चुके हैं, तो काम चल रहा है वो भी अपनी तरफ लैपटॉप पे हमारे। बाकी आज का सारा दिन बहुत अच्छा भी था जैसा कि हमने आपको बताया है, कोरोना की सेफ्टी के लिए भी आपको हमने जागरूक किया है, तो प्लीज़ उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, आपसे हाथ जोड़ के तहे दिल से विनती है इस चीज़ के बारे में। बाकी आज ये हुआ मेरे साथ, जब मैं अपोलो मेट्रो स्टेशन में मैंने एंटर किया तो वहाँ से जब मेरे घर की मेट्रो में बैठा तो एक पुलिस वाले साइड में खड़े थे मेरे, उधर भाई साहब का मास्क इतना लगा हुआ था, यूँ दिल्ली पुलिस से थे इतना, यहाँ भी नहीं। तो मैं पहले उनकी तरफ देखता रहा, फिर मैं सोचा मैं फ़ोन निकालूँ और पूछूँ, भैया ये क्या हो रहा है भाई, कहाँ है? मैं तो चलान जेब में लेके घूमता हूँ, उस दिन से आज तक का दिन है वो चलान मेरी जेब में, मैं कोई रोकेगा कहूँ भैया कटवा चुका हूँ, तेरा कटवाऊँगा, अब तूने नहीं लगा रखा। तो वो भाई साहब बिना मास्क के बैठे थे आराम से, खड़े मतलब खड़े हुए थे हमारे बराबर में ही। मैं बहुत देर तक उसने देखता रहा, वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर मैं बोला, मैं कहा एक्सक्यूज मी सर, कहता यस, मैं सर मास्क ठीक कर लीजिए अपना, आपका ना मास्क नाक से नीचे जा रहा है। तो उसका रिएक्शन ऐसा था, क्या मैं सर आपका मास्क नाक से नीचे जा रहा है, एक्चुअली ना मेरा 3 दिन पहले चलान काटा था दिल्ली पुलिस ने ना, तो वो आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ मैं, आपका मास्क नीचे हो गया शायद बाय मिस्टेक हुआ या आपने ध्यान नहीं दिया, मास्क ऊपर कर लीजिए प्लीज़। तो वो कहता अच्छा, मैं सर ये स्लिप मेरी कटी थी सर, कालका जी पे कटा था, करो वो अभी हो गया होगा, मैं एक्चुअली फ़ोन पे बात, मैं सर मैं भी फ़ोन पे बात कर रहा था जब भी मेरा कटा था। तो वो हंसने लगा, कह रहा यार होता होता यार, सारे दिन पहन के रखते हैं हम तो थोड़ा सा लगता है कि उतार ले सांस ले, मैं कहा सर आप तो उतार के रख रहे हो सांस लेने के लिए, मैं कहा हम तो सिर्फ फ़ोन पे बात करते करते जैसा नीचे गया था इसलिए मेरा काट दिया था चलान। बाकी वो हंसने लगा मेरी बात सुन के, फिर कह रहा अच्छा कौन किसने काटा था, मैं बताया ACP ASI साहब ने काटा था, मैं कहा ASI साहब ने काटा था ऐसे ऐसे सुखवीर नाम है, वो कह रहा है यार वो ऐसे ही है थोड़ा। तो उनसे मुलाकात हुई, वो भी बातचीत होती रही मैं 2-4 मिनट, फिर मेरी बात सुनते साथ मास्क ऊपर कर लिया, मैं सर मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ आप बस जाए नीचे कर लो, मैं तो जनरली आपको बताया है कि आपको भी पता है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कह रहे हाँ यार, फिर कह रहे यार तुम कह रहे वो अच्छा तुम क्या करते हो, फिर उन्होंने मेरे से पूछा, मैं कहता हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं तो 8-8 घंटे हमारे मास्क लगे रहते हैं ये है वो है, कह रहा है अच्छा फिर भी तुम्हारे साथ 2 मिनट के लिए मतलब नीचे कर दे काट दिया, मैं कहा हाँ सर मैं बड़ा दुख है सर इसलिए आपको देखा तो दुख, वो जख्म द्वारा हरा हो गया था ताज़ा हो गया था तो आपको मैंने बोल दिया, करे हंसने लगा, कह रहे चल कोई नहीं फिर अंत भला तो सब भला, फिर हम अपने घर उतर आए और टचूट सारा दिन अच्छा बीता ही हमारा। तो सी यू टुमारो, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, लव यू गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, बाय।